हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। इस वीडियो में हम बीए और बीकॉम में फर्स्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स हमारे पास आती है उस इकोनॉमिक्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो ड्यू में और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीए और बीकॉम के सिलेबस के बारे में आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको सिलेबस में जो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम और स्कार्सिटी यानी कि दुर्लभता की समस्या और यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर मांग का सिद्धांत और हमारे पास पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ति की लोच और मांग की लोच, और हमारे पास उपभोक्ता का व्यवहार उपयोगिता के रूप में और गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में दोनों में पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर हमें जो है वो लागत पढ़ना पड़ेगा और हमारे पास मूल्य का विरोधाभास यानी कि प्राइस का जो है वो किस प्रकार से एक्सचेंज होता है, ये सब हमें जो है डिमांड कर्व की सहायता से पढ़ने को मिलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व की इसमें किस प्रकार से जो है वो होता है। और यहां पर हमें जो है वो बहुत ही सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी हमको पढ़ने को मिलेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलेगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और यहां पर हमें जो है वो प्राइस लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स इको का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का किस प्रकार से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन में हम जो है वो दुर्लभता की समस्या और उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दुर्लभता की समस्या समझने से पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वे सभी हैं जो हमारी आवश्यकताओं को सरल बनाते हैं या हमारे जो कार्य हैं उनको सरल बनाते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर पानी भी हमारा एक संसाधन है। इस प्रकार के संसाधन जो हैं वो दुर्लभ पाए जाते हैं। अब ये संसाधन दुर्लभ इसलिए होते हैं क्योंकि संसाधन जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में सीमित हैं। अब सीमित अर्थव्यवस्थाओं में संसाधन की वजह से हमें जो है वो बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, जैसे दुर्लभता की समस्या। दुर्लभता की समस्या का मतलब है कि हमारे पास संसाधन जो है वो कम है। संसाधन कम का मतलब है संसाधन सीमित हैं और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, यानी कि हम जो है वो संसाधन को जैसे कि पेट्रोल को गाड़ी में भी यूज कर सकते हैं और फैक्ट्रियों को मशीन में भी, और बहुत ज्यादा जगह जो है इसे यूज किया जा सकता है। एक और उदाहरण ले सकते हैं भूमि का, यानी कि भूमि पर हम चाहें लैंड पर एक मकान बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, या तो घर बना सकते हैं, खुद रह सकते हैं उस पर। तो यहां पर इतने सारे ऑप्शन हमारे पास जो है वो उस जमीन पर आ जाते हैं। तो इतने सारी समस्या यहां पर उत्पन्न होने के कारण हमें जो है वो दुर्लभता यानी कि चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यही है हमारी एक दुर्लभता की समस्या, जो कि संसाधनों के सीमित और अल्प प्रयोग से जो है वो वैकल्पिक उसके जो प्रयोग हैं उसके वजह से यहां पर आती है। तीसरी यहां पर समस्या ये आती है कि संसाधन जो है वो सीमित हैं लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, यानी कि आवश्यकताओं के मुकाबले हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दुर्लभता की समस्या क्रिएट हो जाती है। अब दुर्लभता की समस्या के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार इसमें आता है हमारा कि संसाधनों का जो है उसका यूज करके किस प्रकार से क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, या किस लिए उत्पादन किया जाए, या अर्थव्यवस्था में स्थिरता कैसे ली जाए, या अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए का मतलब है सिंपल सा कि हम जो है वो ऐसी कौन सी वस्तु का उत्पादन करें जिससे हमें भी फायदा हो और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो, यानी कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे जो है वो हमारे उपभोक्ता उनको भी फायदा पहुंचे और जो फर्म है उत्पादक है उसे जो फायदा पहुंचना चाहिए उस वस्तु का उत्पादन करने से। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए का मतलब है कि हम जो है वो ऐसी कौन सी तकनीक से वस्तुओं के उत्पादन को करें जिससे हमारी जो लागत है वो कम से कम आए। यहां पर बेसिकली हमारे पास दो तकनीक आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी हमारे पास आएगी पूंजी प्रधान तकनीक। तो श्रम प्रधान तकनीक वे तकनीक होती है जहां पर हम श्रम का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं और पूंजी का कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब यहां पर दिक्कत यह आती है कि अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे तो हमारे पास जितने भी
रिसोर्सेज हैं उनका यूज तो होगा, यानी कि मानव का यूज तो होगा, लेकिन जो मानव की स्पीड होगी उत्पादन करने की, वो स्पीड बहुत कम होगी मशीन के जगह पर। तो मशीन से अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन तेजी से और कम कॉस्ट पर आता है, यानी कि जल्दी से जल्दी होता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम आती है। लेकिन अगर हम जो है वो अगर पूंजी प्रदान तकनीक का उपयोग करते हैं, जहां पर मशीनों का ज्यादा उपयोग होता है, तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में मशीनों का उपयोग करने से हम जो है वो मनुष्य का कम उपयोग करेंगे। मनुष्यों का अगर कम उपयोग करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी, क्योंकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल देंगे और मशीनों के द्वारा जो है उत्पादन करेंगे। इसके बाद हमारा इसमें तीसरा पॉइंट आता है, किस लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन करने का मतलब है कि हम किस किसके लिए उत्पादन करें, किस किसके लिए उत्पादन करने का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो इनकम है, उस इनकम का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। यानी कि हमने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के बाद हमारे पास कुछ इनकम आई, उस इनकम को हम जो है वो किसको कितनी मात्रा में बांटें, ये हमारे पास समस्या आती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि अगर मैं जो है एक किसान हूँ और किसान जो है वो खेती करता है और उसके पास जमीन नहीं है, तो वो जमीन जो है वो जमींदार से उधार लेता है। अगर उधार जमीन जो है वो जमींदार से लेता है तो उसको उसका रेंट देना पड़ेगा, लगान और किराया देना पड़ेगा। इसके बाद अब वो जो है खेती करने के लिए उसके पास जमीन है, लेकिन अब उस जमीन पे बीज नहीं है उसके लिए, ना ही उसके पास खाद है, तो इन सबके लिए उसके पास पैसा भी नहीं है। तो बैंक से वो जो है अगर लोन लेने के लिए जाता है और बैंक से उसे लोन मिल जाता है तो उस पर भी उसे जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। अब इससे वो खाद भी खरीद सकता है और बीज भी खरीद सकता है, तो वो खेती स्टार्ट कर सकता है। खेती करने के बाद उसके पास जो है वो फसल आ जाती है, उस फसल को कटवाने के लिए उसके पास मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मजदूरों से फसल को कटवाता है, और मजदूरों से फसल को कटवाने के बाद उसके पास जो है वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज होता है, तो इसके बाद फसल तैयार हो जाती है और उसको बाजार में मार्केट में बेचने के लिए जाता है। माल लगभग हम मान के चलते हैं 2 लाख रुपए का बिकता है, तो उस 2 लाख रुपए का जो माल है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, इसको किसको कितना कितना बांटा जाए, यानी कि किसको कितना दिया जाए, यही एक हमारी जो है किसके लिए उत्पादन किए जाए की समस्या है। यानी कि इस 2 लाख रुपए में से हम अपने भूस्वामी को कितना दें जितना हमने उससे जमीन उधार पे ली थी, इसमें हम जो है वो खाद या जो हमने बीज के लिए बैंक से लोन लिया था उसका ब्याज कितना दिया जाए, मजदूरों को मजदूरी भी देनी पड़ेगी, और जो उद्यमी है यानी कि मैं खुद, उसको कितना प्रॉफिट मिले, यहां पर इसके बारे में जो है वो हमें सोचना पड़ता है। यही हमारी जो समस्या है वो किसके लिए उत्पादन किए जाए की एक समस्या है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्शन आता है उससे जो इनकम आती है उसको कितनी मात्रा में कितना कितना दिया जाए, यहां पर ये समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसमें हमारे और पॉइंट्स आएंगे, यानी कि 4th और 5th पॉइंट आएगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो है किस प्रकार से संसाधनों का आवंटन किया जाता है, और हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से जो है कौन कौन किस प्रकार से संसाधनों का यूज़ जो है वो करता है, यानी कि हमें संसाधनों का जो यूज़ है वो किफ़ायती पूर्ण तरीके से करना चाहिए। किफ़ायती पूर्ण तरीके का मतलब है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जितनी हमें ज़रूरत है उतने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, और संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जो कि हमारे संसाधनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता दे। यानी कि अगर हम संसाधन की एक इकाई का उपयोग करते हैं तो वो एक इकाई हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता उत्पादकता दे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो निकल कर आए। अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो कितने प्रकार की होती हैं और अर्थव्यवस्थाओं को कितने प्रकार में जो है वो बांट रखा है। तो अर्थव्यवस्थाओं को हमने 2 प्रकार में बांट रखा है। सबसे पहला प्रकार आता है इसका कि विकास के ऊपर, तो विकास के ऊपर हमने अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार में बांटा है। सबसे पहला हमारे पास आता है अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, विकसित है और विकासशील है। अर्थव्यवस्था विकासशील का मतलब है कि हमें जो है वो ये देखना होता है कि अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है या विकास की गति पर चल रही है। विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित हो चुकी है। जैसे कि हम ले सकते हैं अमेरिका का उदाहरण, जहां की इकोनॉमी जो है वो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में है, वहां पर भी जो है वो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है, वहां की अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है। और एक आती है हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था जो अभी विकास की प्रगति पर जो है वो चल रही है। विकास की प्रगति पर चलने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था यहां पर अभी पूरे तरीके से विकसित ना होकर यहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित विकास की प्रगति पर आगे की ओर बढ़ते जा रही है और भविष्य में कभी ना कभी विकसित होने वाली है, बस विकास की प्रगति पर चल रही है।
अब हम अर्थव्यवस्था को जो है वो संसाधनों के आधार पर बांटेंगे कि कितना कितना भाग जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का किसके पास होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा हमारे पास मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। तो अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सारे के सारे जितने भी संसाधन हैं उनका अधिकार हमारे निजी हाथों में या निजी प्रबंधक के हाथों में जो है वो होता है, यानी कि जितने भी निजी सेक्टर्स हैं उनके हाथ में यहां पर जो है वो हमारे संसाधनों का अधिकार पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं लेना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि बाकी जितने भी संसाधन हैं वो हमारे प्राइवेट हाथों में होते हैं, तो वो अपना संसाधनों का यूज जो है वो अपने और देखकर जो है ज्यादा से ज्यादा करते हैं, यानी कि उस वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं जिस वस्तु के में उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना हो, ज्यादा प्रॉफिट जिस वस्तु में उन्हें मिलना होगा उस वस्तु का वो जो है प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा इसमें हमारे पास आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारे के सारे संसाधनों का अधिकार हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार के हाथ में होता है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल वही करते हैं। तो हमारी सरकार जो है वो लोगों का भला या हमारे समाज में समाज का भला देखकर जो है वो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऐसी वस्तुओं का, उत्पादन ऐसी वस्तुओं का करती है जहां पर लोगों को भी फायदा हो और उसे भी ज्यादा से ज्यादा फायदा ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारे समाज में जो है वो अच्छे तरीके से वस्तुओं का वितरण होना चाहिए और अच्छे प्रकार से जो है वो समाज को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का जो है वो यहां पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमारी इन दोनों को मिलाकर एक इकोनॉमी आती है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सारे के सारे संसाधनों का अधिकार, कुछ संसाधनों का अधिकार हमारे पास प्राइवेट हाथों में होगा और कुछ संसाधनों का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो कुछ संसाधनों का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो वहां पर लोगों के बारे में सोचकर जो है वो उत्पादन किया जाएगा, और जो संसाधन प्राइवेट यानी कि निजी हाथों में कंट्रोल में है वो वहां पर उन रिसोर्सेज का जो है वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचकर जो है प्रोडक्शन करेगा। तो यहां पर इस इकोनॉमी में जो है वो दोनों का भला होना बिल्कुल तय होता है, और यहां पर दोनों इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा फायदा और दोनों लोग प्रकार के वर्गों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, यानी कि यहां पर जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो प्रोडक्शन समाज के लिए भी किया जाएगा और यहां पर प्रॉफिट के लिए भी किया जाएगा। तो इकोनॉमी में जो है वो प्रॉफिट भी आएगा यानी कि इनकम भी आएगी और लोगों का जो है वो भला भी होगा। तो ये इकोनॉमी में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहां पर दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था, दोनों प्रकार के लोगों का जो है वो भला देखा जाता है। अब इन इकोनॉमी के हम जो है जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके फीचर्स के बारे में जो है वो जानेंगे, यानी कि इनके गुण, अवगुण और इनके उद्देश्य और हमारे इनके जो जो क्या है महत्व तत्व हैं इनके बारे में जो है वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पूंजी अर्थव्यवस्था के दोष और पूंजी अर्थव्यवस्था के गुण और पूंजी अर्थव्यवस्था के विशेषताओं से। तो देखते हैं क्या क्या है इसके। अब हम पूंजी अर्थव्यवस्था के जो है गुण के बारे में पढ़ते हैं, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे पहला होगा ऊंचे जीवन स्तर को जीना, यानी कि पूंजी अर्थव्यवस्था में महंगी वस्तुएं जो मिलती हैं और महंगी वस्तुएं मिलने की वजह से यहाँ पर हमारे जीवन का स्तर जो है जीने का वो ज़्यादा हो जाता है, ऊँचा हो जाता है, हाई लेवल का हम जो है वो अपनी लाइफ को लिविंग करने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन। यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है क्योंकि ये हमारी जो है वो पूंजी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग करके प्रोडक्शन को किया जाता है, और मशीनों का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उत्पादकता तेजी से बढ़ेगी, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कुशल प्रबंध और उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो यहाँ पर पैसे का यूज करके हम जो है वो अपनी इकोनॉमी में नई नई तकनीक को प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारे पास नई नई तकनीक आती है और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है वो बना पाते हैं। चौथा पॉइंट आता है लोच का गुण, यानी कि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ संसाधन के बदले में जो है वो होती हैं, यानी कि पुरानी तकनीक को बदलकर हम नई तकनीक यहाँ पर जो है वो ला सकते हैं, नए नए आविष्कार यहाँ पर होते रहते हैं जिसके वजह से हमें जो है वो अच्छी क्वालिटी वस्तु देखने को मिल जाती है।
इसमें पांचवा पॉइंट आएगा तकनीक ज्ञान का उच्च स्तर। तकनीक और ज्ञान का यहाँ पर जो है वो उच्च स्तर पाया जाता है, क्योंकि अच्छी तकनीक का और अच्छे उच्च स्तर की क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। इसमें छठा पॉइंट हमारे पास आता है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का उपयोग। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का उपयोग का मतलब है कि यहाँ पर श्रम का विभाजन किया जाता है और विशिष्टीकरण किया जाता है अलग अलग तकनीकों के आधार पर कि कौन सा श्रम जो है वो किस प्रकार के कार्य को कर सकता है। इसके बाद हमारे पास पूंजीवादी के दोष आते हैं। तो सबसे पहला इसका दोष है धन और आय की असमानता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन और इनकम की जो है वो समानता पाई जाती है, विषमता जो है वो बढ़ते चली जाती है और समाज में धनी और निर्धन वर्ग जो है वो विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद लाभ की भावना। लाभ की भावना का मतलब है यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को ध्यान में रखकर हम जो है वो उत्पादन करते हैं और प्रॉफिट ही हमारा मेन मोटिव, मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर होता है। संसाधनों का अपव्यय, यहाँ पर संसाधन के जो उत्पादन की तरीके हैं या जो परिवर्तन लाया जाता है उनमें विज्ञापन संसाधनों की लागतों के कारण जो है वो ज़्यादा अपव्यय होता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा होने की वजह से यहाँ पर उद्योगपति जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपनी वस्तुओं का, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साधनों का अपव्यय अधिक पाया जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है गलाकाट प्रतियोगिता। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े उत्पादकता होते हैं जो छोटे छोटे उत्पादकता के सारे कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े उत्पादकता होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे उत्पादकों को अपने मार्केट में ठहरने ही नहीं देते, इसलिए ये जो है वो गलाकाट प्रतियोगिता बन जाती है। अनिश्चित और अस्थिरता, यानी कि यहाँ पर जो है अनिश्चितता और अस्थिरता दोनों उत्पन्न हो सकती है। अनिश्चितता का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई भी समस्या कभी भी जो है वो अनिश्चित रूप में जो है वो आ सकती है, जिससे हमें जो है अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, यानी कि अस्थिरता देखने को मिल जाती है। यहाँ पर असंतुलित विकास पाया जाता है। असंतुलित विकास का मतलब है कि विकास जो है वो संतुलन में कभी नहीं होता, कभी डिमांड ज़्यादा तो कभी सप्लाई कम, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद हम जो है वो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण एक यही है कि यहाँ पर सबको देखकर जो है वो समाज को पूरे को देखकर यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक योजना बनाकर पूरे आयोग को जो है नियंत्रित किया जाता है, सारे के सारे विभाग बना रखे हैं जिससे विकास की गति को ज़्यादा से ज़्यादा तेज किया जाता है। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्वों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, सारे के सारे संसाधनों का अधिकार सरकार के पास होता है और इनका प्रयोग जो है वो सरकार इस प्रकार से करती है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता जो है वो लाई जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करा जाए, जिससे हमारे देश में जो है वो पूर्ति बढ़े और समाज में अच्छे प्रकार की बेरोजगारी ना फैले, तेजी से मंदी ना आए, इन समस्याओं को दूर करने पर हमारा मेन मोटिव जो है वो होता है और आर्थिक सुरक्षा देने की हमारे पास गारंटी होती है। श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार भी यहाँ पर बांटा जाता है, उनकी योग्यताओं के अनुसार यहाँ पर हम उन्हें जो है वो जॉब देते हैं, जिससे उस प्रकार से वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, अच्छे तरीके से उन्हें भी जो है वो रोज़गार के अवसर मिल सकें। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोष भी हैं। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष हैं, सबसे पहला आएगा अकुशल और भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, जैसे इंडिया भी ले सकते हैं और काफ़ी काफ़ी देश हैं जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, तो वहां पर अकुशल और भ्रष्ट कर्मचारियों का देखना मिल जा सकता है। उसके बाद आता है बेरोजगार प्रणाली, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय योजना अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। यह जो है प्रणाली क्या होती है, बेरोजगार, यहाँ पर हर किसी को स्वतंत्रता नहीं है अपने अपने पक्ष देने का, अपने अपने विचार देने का। तीसरा पॉइंट आएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से हर कोई अपने जो है वो उपाय नहीं दे सकता है, अपनी अपनी सोच जो है वो नहीं बता सकता। चौथा पॉइंट आएगा प्रोत्साहन का अभाव। यहाँ पर प्रोत्साहन का अभाव नहीं मिलता, अभाव पाया जाता है, यानी प्रोत्साहन नहीं मिलता लोगों को। क्यों? क्योंकि निजी संपत्ति के अभाव और निजी उद्यम की संपत्ति के कारण कार्य करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी निजी संपत्ति होती है, तो जिसके पास कम है वहाँ पर यहाँ जो है वो कम पाया जा सकता है, लोगों के लिए प्रोत्साहन का, मोटिवेशन का अभाव हो सकता है।
इसके बाद हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो हैं वो क्या आते हैं, लक्षण आते हैं, क्या क्या लक्षण है, यानी कि इसके जो हैं वो लक्षण पाए जाएंगे। तो सबसे पहला है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र इसमें जो हैं वो पाए जाते हैं, और ये अर्थव्यवस्था आर्थिक कल्याण के लिए बहुत ही उपदायक है, अच्छी है, जिससे हम जो हैं वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आएगा आर्थिक नियोजन। यहाँ पर ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है वो आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लान जो है वो किया जाता है, जो कि हमारे दोनों वर्गों के लिए, अमीर और हमारे निर्धन वर्ग के लिए जो है वो सहायक होते हैं। इसके बाद हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ गुण आएंगे। सबसे पहला इसमें गुण होगा देश के सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग जो है वो हो जाता है। दूसरा आएगा निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी जाती है, और उत्तराधिकारी का नियम भी क्या होता है, लागू होता है। कुशल, योग्य और सक्षम व्यक्तियों को ही पारिश्रमिक प्राप्त होता है, और वही लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाती है। चौथा पॉइंट आएगा अर्थव्यवस्था में नियंत्रण और नियमन की नीति अपनाई जाने के कारण व्यापार चक्रों का भय नहीं होता, यानी कि हम ऐसे नियम और ऐसे नियंत्रण करते हैं अपनी नीतियों का, जिससे यहाँ पर व्यापार चक्र जो है वो हमारा सरल बन जाता है, उसमें कोई भी कठिनाई जो है वो नहीं होती। पांचवा पॉइंट आएगा सरकार आय का एक बड़ा भाग आर्थिक विकास के लोक कल्याण पर क्या करती है, वह करती है, क्योंकि सरकार ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिसमें समाज के वर्ग के बारे में भी सोचना है और निजी वर्ग के बारे में भी सोचना है। छठा पॉइंट आएगा आय तथा धन के केंद्रीकरण और एकाधिकारी प्रतियोगिता को रोका जाता है। ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सके, यानी कि आय की जो है वो समानता लाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ दोष आते हैं। तो इसका सबसे पहला दोष है अर्थव्यवस्था में अफसरशाही जो है वो बढ़ते चली जाती है, यानी भ्रष्टाचार बढ़ते चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अधिकार देते हैं बड़े कर्मचारियों को ज़्यादा, छोटे कर्मचारियों को कम। तो बड़े कर्मचारी जितने भी हैं वो अपनी मनचाही मात्रा में जो है वो काम करते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी फर्मों को सदैव राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कभी भी हम, जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसमें जो भी निजी क्षेत्र हैं उनका कभी भी सेंट्रलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, तो उनको भय बना रहता है, ये इसका एक दोष है, जिससे सरकार राष्ट्रीय हित में किसी भी उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इससे निजी उद्यमी निवेश से क्या करते हैं, कतराते हैं, निवेश करने में कमी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अल्पकालीन व्यवस्था है। अल्पकालीन व्यवस्था का मतलब है कुछ समय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण बन जाते हैं और कुछ क्षेत्र के बाद जो है निजी क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारी ये इकोनॉमी जो है वो कभी कभार ज़्यादा समाज तो कभी कभार कम समाज, निजी क्षेत्र ज़्यादा, इस हिसाब से ये जो है वो शिफ्ट होती रहती है। तो यहाँ पर ये इसका एक दोष पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संतुलन स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है, संतुलन नहीं हो पाता, क्योंकि निजी क्षेत्र और हमारा सामाजिक क्षेत्र उनके बीच में संतुलन बनाना काफी मुश्किल होता है। पांचवा पॉइंट यहां पर आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है जिनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाना है वे पूरा ना होने की वजह से अविश्वास उत्पन्न होता है, यानी कि समाज कुछ करना, सरकार जो है वो समाज के लिए कुछ करना चाहती है लेकिन वो निजी क्षेत्र की वजह से वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ संसाधनों का अधिकार निजी क्षेत्र के पास है, तो उस समय जो है वो यहाँ पर अविश्वास सा उत्पन्न हो जाता है सरकार के प्रति, लोगों के प्रति जो है वो सरकार कुछ विश्वास नहीं दे पाती है। दोस्तों ये थे इसके तीनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण, दोष और लक्षण के बारे में। अब आप जो हैं वो यहाँ पर पीपीसी कर्व के बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो पीपीसी कर्व क्या होता है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। उत्पादन संभावना वक्र, हम इसमें देखेंगे कि संसाधनों का उपयोग करके और तकनीकों का उपयोग करके एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन किस तरीके से पॉसिबल होता है, तभी इस वक्र का नाम जो है वो उत्पादन संभावना वक्र रखा जाता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी, पीपीसी भी इसी का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। उत्पादन संभावना वक्र से अभिप्राय दो वस्तुओं के उत्पादन के से संबंधित उन संयोगों को प्रस्तुत करने वाले वक्र से है जो एक अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधन और तकनीक को स्थिर रखकर दोनों की संयोग को मिलाकर प्राप्त कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें अर्थव्यवस्था, हम देख सकते हैं यहाँ पर पी संयोग पर अर्थव्यवस्था जो है वो वस्तु ए की 0 इकाई का उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु ए के उत्पादन में एक भी इकाइयों को नहीं लगाया जा रहा है, और वस्तु बी के उत्पादन में सारे के सारे संसाधनों की इकाई को लगा दिया जा रहा है। जब वस्तु बी का उत्पादन जो है वो 100 इकाई आ रहा है,
अब हम देखेंगे अगले संयोग में क्यू संयोग में, वहां पर वस्तु ए की एक इकाई का उत्पादन किया गया, जिसके लिए हमें कुछ संसाधन जो है वो वस्तु बी की इकाइयों से निकालने पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी इकाइयों को हमें कम करना पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है, इसलिए हम मनचाही मात्रा में दोनों वस्तुओं का उत्पादन जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्पादक ऐसा करता है कि वस्तु बी की कुछ क्वांटिटियों का उत्पादन कम करता है वस्तु ए की इकाइयों को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से वस्तु बी की दो इकाइयों को दोबारा से एक, हमने एक और इकाई को बढ़ाया है तो बी की हमें कुछ इकाइयों को और छोड़ना पड़ा है, तीन इकाइयों का उत्पादन करने के लिए और इकाइयों को छोड़ना पड़ा, फिर चौथी इकाई का उत्पादन करने के लिए भी वस्तु की जीरो इकाई का उत्पादन हुआ। इसका मतलब है कि सारे के सारे संसाधनों को वस्तु ए के उत्पादन में लगा दिया गया, वस्तु ए बी के उत्पादन में एक भी संसाधन को जो है वो नहीं लगाया गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है और लोगों को हमें नौकरी भी देनी है, पूंजी का अच्छे तरीके से उपयोग भी करना है। तो इसकी मान्यताओं पे चलते हैं, केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक या कोई भी बड़ी फर्में सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन करेगी, तभी हम इस पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पॉसिबल हो पाएगा। सीमित संसाधनों का पूर्ण उपयोग, यानी कि जितने भी संसाधन हमें उपयोग करने के लिए दिए गए हैं उन संसाधनों का पूरा उपयोग करेंगे। दूसरा, सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में तालमेल बनाने के लिए हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे, उनको काम पे रखकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे, तकनीक इस तरह रहेगी, सीमित संसाधनों का पूर्ण उपयोग और केवल दो वस्तुओं का उत्पादन, ये इसकी मान्यताएं हैं। आसानी से याद हो जाती है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसके बाद चलते हैं विशेषताओं पर। बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढलान होता है। क्यों होता है इसका ढलान, आगे देखते हैं। देखिए, मैंने इस टेबल को देखकर ये चित्र बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वस्तु ए की जीरो इकाई, वस्तु ए को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, वस्तु बी को वाई एक्सिस पे लिया है। वस्तु ए की जीरो इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर, और वस्तु बी की 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट यहाँ पर आया पी संयोग, ठीक है। इसके बाद की संयोग, क्यों मैं ए वस्तु का एक वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, तो एक इकाई यहां पर और इसकी 90 इकाइयों को यहां पर लिया गया, तो क्यू संयोग ये रहा। इसके बाद 2 और 70, तो 2 और इसकी 70 आर संयोग। इसी तरीके से मैंने टी तक, टी से क्यू आर एस टी तक संयोगों को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं आगे कि इसका ढलान जो है वो आप देख रहे होंगे, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु की ओर क्या है, नतोदा है, सी शेप है, इसकी तरफ जो है सी शेप बना हुआ है इसके मुंह की तरफ, और ये वैसे हमें डी शेप लग रहा होगा, लेकिन इसके मूल बिंदु के इस तरफ तो ये क्या है, सी शेप है, इसे ही हम नतोदर कहते हैं, इस शेप को नतोदर कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इसका पहली मान्यता विशेषता है कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढलान होता है। इसका ढलान यहां से स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ चलते हुए चला गया और दाएं से बाएं यानी लेफ्ट टू राइट गया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यहां पर एक एमओसी होती है, सीमांत अवसर लागत। सबसे पहले अवसर लागत को समझेंगे कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत का मतलब है एक अच्छे वैकल्पिक अवसर को पाने के लिए पुराने अवसर को छोड़ देना या पुराने विकल्प को छोड़ देना अवसर लागत कहलाती है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उसे कहीं पर 15,000 रुपए की जॉब मिलती है, तो वो उस 15,000 की जॉब को प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपए की जॉब छोड़ता है, तो 10,000 रुपए उसकी क्या है, अवसर लागत है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि अवसर लागत जो हमने प्राप्त की है और अवसर लागत के बीच का डिफरेंस यानी कि 5,000 रुपए, वो हमारी कहलाती है सीमांत अवसर लागत। अब ऐसा ही हम यहाँ पर इस कंडीशन को रख के देखेंगे। देखते हैं, अगर हम यहाँ पर पहले संयोग में वस्तु ए की 0 इकाई और वस्तु बी की 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादक सोचता है कि वस्तु ए की भी हमें हमारी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता है, तो वहां पर और वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, हमें वस्तु ए की भी एक इकाई का उत्पादन करना चाहिए। तो उत्पादक क्या करता है, वस्तु ए की एक इकाई को उत्पादन करने के लिए संसाधनों को कम कर देता है बी से, जिससे बी का उत्पादन अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहां पर इसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहां पर ये क्या आया है, लॉस। लॉस का मतलब है कि वस्तु बी की इकाइयों का लॉस किया है, और यहां पर ये क्या आया है, गेन। वस्तु ए की एक इकाई का गेन किया गया है। तो हम यहां हमारे पास एमओसी का यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, इज इक्वल टू लॉस अपॉन में गेन। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि हम एक्स में परिवर्तन देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परिवर्तन देख रहे हैं, तो दोनों में डेल्टा में परिवर्तन देखेंगे कि कितना कितना परिवर्तन आया है।
तो देख सकते हैं इस वाली इकाई पर कि यहां पर उत्पादक जो है वो एक का गेन कर रहा है, तो गेन को नीचे रखेंगे। लॉस कितनी इकाई का हुआ है? 10 इकाई का, तो 10 को ऊपर रखेंगे तो एमओसी कितनी आ जाएगी? 10। ऐसा ही अगली इकाई पर देखते हैं, यहां पर 70 पे है और यहां पर 2 पर है, यानी कि उत्पादक ने एक और इकाई को गेन करना चाह रहा है, तो यहां पर उसे लॉस भी करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन तो सीमित है। उसे वस्तु बी की उत्पादन इकाई उसे निकालना पड़ेगा संसाधनों को ए में लगाने के लिए, क्योंकि ए को ज्यादा उत्पादन करना है हमें। तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या आया है, इसका दोबारा से लॉस आया है 20 इकाइयों का लॉस, और गेन कितना करा है इसने? दोबारा एक ही इकाई का गेन करा है, तो यहां पर 20 आया। एमओसी क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा ही एमओसी जो है वो लगातार बढ़ते जाएगा और उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है वो नतोदर हो जाएगा। देखते हैं अगली इकाई पर, एक और इकाई पाई है 40 है यहां पर, 40 से लेके 3 यानी कि एक इकाई का और हमने क्या करा है? गेन करा है, और यहां पर ये क्या है? लॉस है, तो लॉस को ऊपर रखते हैं, गेन को नीचे रखते हैं, तो 30 आ गया। अगली इकाई पर देखते हैं लॉस कितना है? 40, गेन कितना है? 1, तो 40 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 40। तो एमआरएस क्या है? लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जिसके कारण से उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है वो नतोदर है। अगर ये जो ये एमओसी है यानी कि सीमांत अवसर लागत है, ये अगर समान दर से बढ़ने लग जाए यानी 10-10-10-10 का गैप आने लग जाए सब में, तो इसका ढलान जो है वो इस तरीके से होगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी। अगर ये एमओसी जो है वो घटना चालू हो जाए यानी 10 के बाद 9, 8, 7, 6 ऐसे ऐसे होने लग जाए, तो इसका ढलान जो है वो फिर चेंज हो जाएगा और इसका ढलान जो है फिर सी शेप का हो जाएगा, यानी मूल बिंदु की और सी शेप वैसे डी शेप है, ठीक है, इसे हम उन्नतोदर कहेंगे। तो एक सीधी रेखा भी हो सकता है, एक उन्नतोदर भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? नतोदर ही होता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, क्यों? क्योंकि एमओसी जो है वो क्या होती है? बढ़ती हुई होती है, और एमओसी बढ़ती हुई इसलिए होती है क्योंकि हर एक उत्पादक वस्तु ए की अगली इकाइयों को पाने के लिए वस्तु बी की ज्यादा से ज्यादा इकाइयों को त्यागना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वस्तु ए से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिलने से ज्यादा उत्पादन करेगा इस इकाइयों का, और इस इकाई से उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा हैं, और सीमित अर्थ संसाधनों की वजह से इसका ढलान क्या रहेगा? नतोदर रहेगा। इसकी विशेषताओं में इसलिए मैंने लिखा है कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढलान होता है, और पीपीसी का ढलान नतोदर होता है क्योंकि एमओसी की दर बढ़ती हुई होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको बीए बीकॉम में फर्स्ट यूनिट जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी फर्स्ट ईयर की, कि किस किस प्रकार के जो है वो यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगा, तो मेरी वीडियो आप आगे तक देख सकते हैं। जितने भी बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स आ रहे हैं उनको आप देखिए, और सारे के सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जब तक आपके एग्जाम जो है वो आ जाएंगे। एग्जाम से पहले पहले आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, और अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है वो इस प्रकार की वीडियो देखने को मिले और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और मेरी भी साथ में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ताकि मेरे व्यूज जो है वो बढ़ जाएं। और इस वीडियो को जो है वो कमेंट कर आप अभी बताइए इसके नीचे कि आपको जो है वो ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बताइए। अगर कुछ कमी रह जाती है वीडियो में तो वो भी आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। इस वीडियोस में आपको जो है वो क्या कमी नजर आ रही है, साउंड क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी या कोई भी इश्यू जो हो सकता है वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो कि हमारा ब्लैक लाइक का बटन है उसको जल्दी से येलो कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हो जाए, और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।